हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिला कांग्रेस महासचिव पद पर नियुक्ति लीला राजपुरोहित ने शनिवार को आहोर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी पेश की। उन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को बताया कि पार्टी उन्हें मौका देती है तो आहोर विधानसभा के लिए बेहतर से बेहतर कार्य करने की कोशिश करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि आहोर विधानसभा में हर क्षेत्र में स्थितियां काफी शोचनीय है। ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें बदहाल स्थिति में है, गांव के अस्पतालों में स्टाफ का टोटा है, पंचायतों में जमकर भ्रष्टाचार है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, नर्मदा के नाम पर राजनीति की जा रही है, जबकि आहोर के लोग अभी तक नर्मदा के पानी के लिए तरस रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में पिछले 5 साल में कोई विशेष काम नहीं हुआ है। ऐसे में आहोर क्षेत्र की ओर से वह बताना चाहते हैं कि हर व्यक्ति मुश्किलों में जी रहा है, पार्टी अगर उन्हें टिकट देती है तो वे चुनाव लड़ेगी। साथ ही राजपुरोहित ने यह कहा कि पार्टी अगर किसी अन्य व्यक्ति को टिकट देती है तो उसके पक्ष में पूर्ण रूप से कोशिश करेगी और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए राजपुरोहित ने कहा कि उनके साथ 36 कौम का समर्थन है और क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ही क्षेत्र की जनता के लिए बेहतर से बेहतर कार्य कर सकती है। भाजपा विधायक और भाजपा पार्टी पर उन्होंने जमकर आरोप लगाए। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।